एबीपीएस न्यूज। गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अफजलगढ़ में स्थित मकसूदाबाद गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 1200 वोटरों द्वारा धर्मवीर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 401 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव के शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 80 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 19 हैंडपंप भी लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 15 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 16 लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 95 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बारात घर, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत मकसूदाबाद और जिला बिजनौर सरकार से धनराशि मिली, वो हमने उचित काम कार्य में सब लगा दी है और हमारे हैं जो विकास कार्य हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं। उसमें ना तो हमारे यहाँ बारात घर है और ना पंचायत घर है और ना ही कोई चिकित्सालय है। मान्य है मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि हमारे गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए धन आवंटित कराएं और आवास भी बनवाएं। सब कुछ ग्राम पंचायत में ना खेल का मैदान है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र है और ना ही पानी की टंकी है।